दोस्तों, अगर आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं तो लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा पहला पड़ाव यहाँ पर आ चुका है। ये खैर यहाँ पर आ चुके हैं हम। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी नदी है यहाँ पर। ये देख सकते हैं नीचे कुछ लोग यहाँ पर सड़ीबस भी बना रहे हैं और ये हमारे साथीगण हैं। हम यहाँ पर अपना ये एक और टूर बना रहे हैं 31st का। ये है पंकज जोशी जी, हिमांशु बहुगुणा, ये दीपक मेलकानी जी और मैं खुद राकेश बहुगुणा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पिछले बार भी एक वीडियो बनाया हुआ था अपने पहले टूर का, लेकिन वो ज़्यादातर लोगों पर शेयर नहीं हो पाया था, लेकिन अपने दोस्तों तक जरूर शेयर हुआ था। ये है यहाँ पर कोसानी रोड और हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और आगे का आपको बताते रहेंगे इस टूर के बारे में। यहाँ क्या खासियत है, क्या हमने देखा, कहाँ कहाँ हम। शानदार फॉरेस्ट है, देखिए आप देख सकते हैं ऊपर तक बिल्कुल झाड़ियाँ भी नहीं है, बिल्कुल इतना प्लेन सा है। कर सकते हो ये हमारे साथीगण मेलकानी जी, ये हमारे साथीगण पंकज जोशी जी, ये हमारे साथीगण हिमांशु बहुगुणा, मैं आपका प्रिय मित्र राकेश बहुगुणा। तो ऐसा है कि हम ये जा रहे हैं सोमेश्वर वाली रोड, यह है ये हमारे सामने से गाड़ियाँ जा रही हैं। फिलहाल यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए हम रुके हुए हैं और ये बेहतरीन नज़ारा आप लोग को दिखाना बहुत जरूरी था सोमेश्वर जाने से पहले। हालांकि स्नो व्यू भी है, लेकिन स्नो व्यू के लिए यहाँ पर फॉरेस्ट से आगे हमें देखने को मिल नहीं रहा है। ये स्नो व्यू था यहाँ पे, हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते रहेंगे। यहाँ का थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। हम अपनी जर्नी के लेटेस्ट जो कह सकते हैं लास्ट मोमेंट, हम अंतिम पड़ाव में हैं। हमारे साथ हैं हमारे लीडिंग कह सकते हैं आप हमारे गाइड राकेश बहुगुणा। आप ये देख सकते हैं किस तरह से ड्राइवर और ड्राइवर से इन्होंने पैक हो रखे हैं, बिल्कुल ठंड से एकदम जैकेट कवर है, पूरा कवर है। और हमारे साथ हमारे और सहयोगी है, और फ्रेंड ये पंकज जोशी और हिमांशु बहुगुणा जो राकेश बहुगुणा के ब्रदर है, यानी कि यहाँ पे ब्रदरहुड भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सब लोग हमारे साथ हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी आगे का हम आपको और दिखाएंगे कि हम कैसे यहाँ पर सुबह से पहुँचे, कैसे हमने ये पड़ाव पार करा है। जंगल वाला इलाका, बिल्कुल रास्ते बिल्कुल जंगल भरे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जंगली जानवर हमें कभी भी दिखाई दे सकते हैं और इतना रास्ता है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे अपनी। और अभी हम मेमोरेबल जर्नी फॉर अस, वी कैन नेवर फॉरगेट दिस जर्नी। इस जर्नी के साथ हमारी यादें जुड़ी हुई हैं और ये हमारी जर्नी आफ्टर यू कैन से इट्स ए रीयूनियन फॉर अस। हम एक लंबे समय के बाद आपस में जो है मिले हुए हैं, मिल रहे हैं और हम इस पूरी जो 31st का जो मोमेंट है इसको हम पूरी एंजॉय करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा होने को है और सामने हमारे यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर आसमान में दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर पूरा जंगल का इलाका है। यहाँ पर जानवर आपको देखिए को मिल सकता है, बिल्कुल सामने देखिए जानवर भरा है, यहाँ पर आसमान में जंगल है, इतना ही मज़ा आ रहा है ऐसा भी यहाँ पर हमारे। और काफ़ी लंबी जर्नी के बाद हम आखिरकार पहुँच गए हैं और हमने यहाँ पर होटल यहाँ पर बुक कर लिया हुआ है और ये हमारे साथ देखिए कैसे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, यहाँ पर टीवी का
ये हमारा दूसरा बेड है यहाँ पर महाराजा का और ये हमारे शादी का बोलने की महाराजा पैलेस है और यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा है। बताइए कितना टेम्परेचर होगा, लगभग 9 डिग्री से तो कम होगा, 10-9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हमें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, जो हम आपको बताएंगे इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। मेरा तो शोल्डर पेन कर रहा है। और पंकज जी आप बताएंगे कि लंबे ट्रेवल के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारा मजा आ रहा है, ठंड बढ़ी हुई है, बर्फ पड़ जाती है और मजा आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा क्या हुआ जो व्यू है वो भी दिखाएंगे, स्नो व्यू हो गया और ये सब जो भी है यहाँ आपको, यहाँ की हम पूरी जर्नी दिखाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा व्यू देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने ये देखिए हिमालय व्यू है, पूरा का पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये हिमालय व्यू है, थोड़ा धुंध छा गई है क्योंकि धूप आ चुकी है अब, और उसके बाद यहाँ पर धुंध सी होने लग गई है क्योंकि बारिश हो रहा है यहाँ पर बर्फ से। ये हमारा हिमालय व्यू है सामने। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का बटन तुरंत